आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां पहले चरण की आज शांत हो गई हैं, क्योंकि आज निकाय चुनाव के पहले चरण का जो प्रचार होता है वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक आज समाप्त हो गया है शाम को। और सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पर रैली के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से अपनी अपनी बात कही है और जनता का जनाधार मांगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और भाई वोट देती है और निर्णय लेती है कि इस बार नगर पालिका में अध्यक्ष, नगर पंचायत में अध्यक्ष, सभासद, पार्षद और मेयर किसको बनाना है। खैर, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और सबकी अपने अपने एजेंडे हैं और एजेंडों के साथ साथ समीकरण भी हैं। मैं समीकरण की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि बिना समीकरण की राजनीति फिलहाल उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर बार का समीकरण होता है। यहाँ अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाएगा वो भी समीकरण के हिसाब से, यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा वो भी समीकरण के हिसाब से, यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया जाएगा समीकरण के हिसाब से, क्योंकि राजनीति ही ऐसी है। सभी वर्गों को साधना है और इन साधनों को, सभी वर्गों को अपने पाले में करने की जो जद्दोजहद है वो फिलहाल सभी पार्टियां कर रही है। अगर हम बात करें मुस्लिम वर्ग के लिए तो मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर सभी पार्टियों ने टिकट दिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि एम बाई फैक्टर है हमारा और मुस्लिम वर्ग हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट देता आया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतार कर स्पष्ट कर दिया है कि वो मुस्लिम वर्ग को एक अलग पटकथा की तरफ लेके जा रही है। 11 प्रत्याशी मेयर के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी उतारे हैं मुस्लिम वर्ग से, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तो मेयर के लिए नहीं उतारा है पर 350 से ज्यादा प्रत्याशी उतार कर एक बार स्पष्ट कर दी है कि जो पार्टियां ये बोलती थी कि बीजेपी मुस्लिम वर्ग की विरोधी पार्टी है, उनके ऊपर एक कुठाराघात बीजेपी ने कर दिया है 350 से ज्यादा प्रत्याशी उतार कर। क्योंकि बीजेपी ने पहले भी कहा था कि इस बार हम इस वर्ग को प्राथमिकता देंगे, जहां जहां ये वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उस वर्ग की प्रमुखता को देखते हुए इस बार मुस्लिम वर्ग को भी टिकट दिया जाएगा और बीजेपी ने ऐसा किया, हालांकि विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दिया था। खैर, अब इसको व्यवस्था कहें, रणनीति कहें या देर आए दुरुस्त है ये कहें, अब वो तो बीजेपी संगठन जानता होगा या बीजेपी के लोग जानते होंगे, जनता सब जानती है और जनता को सब पता है। खैर, यहां पर बात समीकरण की हो गई तो यहां बात हो रही है ओबीसी वर्ग के लिए। यहां ओबीसी वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया और साधने का प्रयास इस कदर किया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव रायबरेली गए और वहां पर उन्होंने बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और वहां पर भी तमाम बवाल हुआ। वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद चर्चाएं भी आम हुई। खैर, चर्चाएं हमारे देश में चलती रहती है और चर्चाओं से बाजार गर्म भी बना रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव आ गया है और 4 मई और 11 मई को चुनाव का मतदान होगा और 13 मई को फैसला आएगा कि जनता ने इस बार सिरमौर किसको बनाया है, 17 नगर निगम और बड़ी संख्या में नगर पंचायत और नगर पालिका के साथ साथ सभासद के प्रत्याशी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा विषय और भी है उसको जोड़ना बहुत जरूरी है कि यहां समीकरण सब बनाते हैं, चर्चाएं सब करते हैं, रणनीति सब बनाते हैं, पर वास्तव में इन पार्टियों की अगर हम पटकथा को देखें तो सब वर्गों के यहां दावे करते हैं पर वर्गों के लिए काम कौन करता है, यह महत्वपूर्ण बात है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है और इस चर्चा में क्या कुछ होने वाला है। फिर आप कुछ बयान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुंदेलखंड में कोई किसी नेता का गुर्गा यहाँ आकर के जबरदस्ती यहाँ के संसाधनों पर डकैती नहीं डाल सकता, उस डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो जिस घर में बैठेगा उसको फिर से हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम संसाधन पे डकैती डालने की छूट नहीं देंगे किसी को और सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। नगर पंचायत का अपनी अपनी जगह चेयरमैन
अध्यक्ष या मेयर चुनने का चुनाव है। मैं देख रहा हूं जहां भी जा रहा हूं, जहां अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो उसने शहर को बर्बाद कर दिया है। प्रयागराज का गौरव 2014 में जब आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला करके केंद्र में सरकार बना करके वापस करने की ताकत दी थी, और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके आपने डबल इंजन की सरकार बना करके जो ताकत दी है, उसके बाद का प्रयागराज मुझे बताओ बदला है कि नहीं बदला है? दोनों हाथ उठा के बताओ। अभी जो बदलाव आप देख रहे हो, मैं इतना ही कहूंगा, अभी जो बदलाव आप देख रहे हो यह तो झांकी है मेरे मित्रों। 13 मई के बाद पूरी पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्तों। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में, और किसी को गाली देने से आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ और किसके राज में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार। चर्चा में से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समीकरणों वाला चुनाव है और फिलहाल समीकरण प्रयोग के रूप में रखे गए हैं, क्योंकि यहां पर 24 के पहले का ये सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश में। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और हमारे साथ मेहमान जी के रूबरू करा दूं। प्रवक्ता कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता भाजपा से केसी जैन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से मोहम्मद अखलाक अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से उनके फायरमैन प्रवक्ता दयाराम भाई अपनी बात रखेंगे, और विशेषज्ञ रूप में यहाँ पर गजेंद्र त्रिपाठी अपनी राय देंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा केसी भाई का। केसी भाई, तैयारी मजबूत है? मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं, डिप्टी सीएम उतरे हैं, सारे पदाधिकारी उतरे हुए हैं, और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कोई कोताही नहीं। और मेरा मानना है केसी भाई, ये समीकरणों वाला चुनाव है, प्रयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को टिकट दिए गए हैं, तमाम बातों को दरकिनार करते हुए लोगों पर एक जवाब, और शायद जवाब ऐसा कि किसी की यहाँ पर जुबानी नहीं खुल रही है। राजनीति अलग, समीकरण अलग और चुनाव अलग, क्या व्यवस्था है, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, आप एक वरिष्ठ और बहुत ही जिस जुझारू, जिस प्रकार से अभी मैं कई बार आपसे भेंट करने भी गया, लेकिन आप इन चुनावों में भी नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से आप ग्राउंड जीरो पे पहुंच करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सब जगह में पहुंच रहे हैं, तो जो आंकड़ा आपके पास है हमें लगता है वो आंकड़ा हम लोग पास भी नहीं है। नहीं नहीं, आप लोग, क्योंकि हम लोगों से सही बात आदमी बताता भी नहीं है, क्योंकि ये सोच के नहीं बताता है कि तो भाई फला पार्टी से जुड़े हुए हैं तो सही बात नहीं आ पाती जी। लेकिन आप लोगों के पास जनता से जुड़ी हुई सही चीजें खुल करके बिल्कुल आती है जी। क्योंकि आप लोग निष्पक्ष होते हैं और पत्रकार के रूप में जाते हैं, तो जनता बहुत सारी बातें आपसे शेयर भी करती है। बिल्कुल। लेकिन आप जहाँ जहाँ गए होंगे, आपने एक चीज जरूर देखी होगी जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है, उनके कामों से संतुष्ट है, और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम सारी बातें तमाम जगहों पे मंचों पर कही, और विपक्ष से सवाल भी उठाया कि लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतलब है, ये तो नगर निकाय का चुनाव है। देखिए मतलब हर चीज से है। क्या शहरों में गुंडागर्दी नहीं होती थी? क्या केवल गांव में गुंडागर्दी होती थी? और फिर गुंडागर्दी क्या सर्टिफिकेट लेके जाते हैं कि नहीं भाई हम शहरों में गुंडागर्दी नहीं करेंगे, सिर्फ गाँव में करेंगे, जबकि शहरों में तो गुंडागर्दी और ज्यादा थी, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे गाँव मोहल्ले का व्यक्ति हो, हर कोई परेशान था। अगर उससे निजात मिली है तो क्या ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये भी चुनाव का पार्ट बनेगा? लेकिन आपने एक बड़ा सवाल आज उठाया कि जो प्रयोग को लेकर के, बात प्रयोग को लेकर के नहीं है। देखिए गौरव जी, राहुल जी, पहली बात ये है कि इसके पहले भी आप देखिए कि दानिश जी को मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, ना तो हमारे एमएलसी थे, ना हमारे विधानसभा से कहीं से चुन करके आए थे, और उसके बाद में उनको एमएलसी बनाया गया। समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब जी आए थे, उनको एमएलसी बनाया, कोई बनाने के लिए पार्टी बाध्य नहीं थी। आप देखिए अभी एक वीसी साहब को राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इसके पहले भी मुख्तार अब्बास नकवी जी और कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे और बड़े पदों पर उनको रखा गया। बिल्कुल। तो देखिए ये तो एक रूमर फैलाने का काम विपक्ष ने किया
कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा जी। अरे कहां मुसलमान असुरक्षित हो गया जी। आप यही विपक्ष था, यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती थी कि सीए लेकर के आ रहे हैं, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, सारा मुसलमान देश से खदेड़ दिया जाएगा, पर्चे मांगे जाएंगे, कागज मांगे जाएंगे। अरे किस मुसलमान को खदेड़ दिया गया? जो जहां पर है वहां पे आराम से रह रहा है, अमन चैन से रह रहा है। लेकिन हाँ, विपक्ष ने भयभीत करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी देख लिया कि उनको किसी भी प्रकार का अहित नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं, चाहे राशन की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे चिकित्सा के लिए योजना हो, सारी योजनाओं का अगर लाभ ले रहे हैं, अगर आम जनता लाभ ले रही है तो उससे कहीं ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई बहन लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है जी। और कार्रवाई भी होती है जब पुलिस की जी, तो जिस प्रकार से पहले कार्रवाई भेदभावपूर्ण होती थी जी, कि चुन चुन करके लोगों को छोड़ दिया जाता था जी, और बाकी लोगों पे कार्रवाई होती थी, तमाम जगहों से पुलिस पिट करके आती थी, तमाम जगहों पे जियाउल हक जैसे पुलिस अधिकारियों की मार पीट पीट करके हत्या कर दी जाती थी। अब वो नहीं होता है, अब कार्रवाई भी होती है तो बिना भेदभावपूर्ण कार्रवाई भी होती है और बिना भेदभावपूर्ण योजनाओं को लाभ भी मिलता है। किसी भाई यहाँ पर जो सभासद के प्रत्याशी है, तमाम सारे सभासद के प्रत्याशियों को 300 से ज्यादा प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है, इसके पहले भी दिया है, लेकिन अब क्या है, अब गिनती गिन रहे हैं विपक्ष के लोग बैठ करके, अरे किसको टिकट दिया किसको। गिनती जरूरी है भाई, चुनाव भी ऐसा है, जरूरी है गिनती। नहीं, देखिए ऐसा है राहुल जी, गौरव जी, कि जो लोग जाति और धर्म की सिर्फ राजनीति करते हैं वो केवल जाति और धर्म के आधार पर चेहरा ढूंढने का प्रयास करते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की राजनीति करती है, उसको इससे मतलब नहीं है कि सभी पार्टियों के लिए कही है, ये केवल भाजपा के लिए नहीं कही, सबकी पार्टी, और यहाँ सबने समीकरण अजमाए हैं, यहाँ कोई नहीं बोल सकता है। देखिए एक चीज और भी है जी, अब आपको एक चीज और बता दे राहुल जी, कि आप देखिए लखनऊ के मेयर का टिकट काटा है जी, एक सामान्य कार्यकर्ता जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, लखनऊ राजधानी है, यहाँ से मैसेज जाता है, उसके बाद में भी पक्ष ने पूछा भी आपने टिकट क्यों काट दिया। अरे टिकट परमानेंट के लिए, ऑल लाइफ के लिए किसी को टिकट थोड़ा होना है, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस थोड़ा होना है, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और आप देखिए नंद गोपाल नंदी जी की पत्नी का टिकट कटा, तो जब कैबिनेट मंत्री का टिकट कट सकता है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री की पत्नी का टिकट कट सकता है, और लोग टिकट कट सकते हैं, लेकिन किसको मिलना है? जो भी पार्टी के लिए काम कर रहा है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो चाहे मेयर का पद हो चाहे सभासद का टिकट हो, उन लोगों को दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस चीज का हर एक व्यक्ति को अधिकार है और हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन वार्ड से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कौन हो जाए, कोई तय नहीं है कि इनके बाद यही अध्यक्ष होंगे, कोई तय नहीं, और किसका टिकट हो जाए कहीं पे कोई तय नहीं है जी, कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, चले और किसका टिकट होगा ये तय नहीं है। ठीक है, जो कार्यकर्ता है पार्टी में काम करेगा वो बन सकता है। मोहम्मद अखलाक, परिवारवाद नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद अखलाक, यहाँ पर जिस तरह से केसी भाई ने बताया है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और यहाँ सभी वर्गों को लेकर चल रही, सबको योजनाएं दे रही है, और मुस्लिम वर्ग को भी यह बहुतायत में टिकट दिए गए हैं, और स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग ह्यूमर फैलाते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुस्लिमों को नुकसान होगा, ये ह्यूमर विपक्षी फैला रहा है, पर बीजेपी यहाँ पर सभी वर्गों को सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल रही है और सबके लिए यह जगह है, और टिकट वितरण ने स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ग को भी बीजेपी लगातार अपने साथ लेकर चलने के लिए जुड़ी हुई है, संकल्पित है, और आगे भी लेती रहेगी। क्या आपकी गौरव भाई जी, अभी केसी भाई की मैं बात सुन रहा था जी, अच्छी स्पीच दी इन्होंने। अच्छा, कथा पढ़िए क्या? हाँ, अब भाषण दिया 10 मिनट दिया तो मुझे लगता है स्पीच ही सुनी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालाक लोग हैं, चालाक मुद्दों है। से कैसे भटके, मुद्दों से कैसे दूर हो जाए, अच्छा उस पे करते हैं। अच्छा, हम निकाय चुनाव की बात करेंगे तो कहेंगे साहब मुख्यमंत्री जी हमारे और प्रधानमंत्री जी हमारे ये किया। अच्छा, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे तो देश के लिए करेंगे, मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे तो प्रदेश के लिए करेंगे, मगर करे तो। अच्छा अच्छा, करे ही नहीं अभी तक, 6 साल हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, और क्या हाल था अपने आपकी ऑफिस के बाहर और गोमती नगर का और पुराने लखनऊ का और जगह जगहों का। अच्छा, वो सब केसी भाई भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अच्छा, अभी एक बात कही कि
जो विपक्ष है वो ह्यूमर फैलाता है कि मुसलमान असुरक्षित है, ऐसा तो कभी कोई ह्यूमर मुझे लगता है फैला ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सबसे ज्यादा चिल्लाते थे कि हिंदू खतरे में है। अच्छा, ये तो आपको ही पता है, सबने देखा, ये कहते थे हिंदू खतरे में है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू, मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू, तमाम बड़े अधिकारी हमारे हिंदू, कैसे हिंदू खतरे में है? तो अब ये तो ह्यूमर यही लोग फैलाते हैं कि हिंदू कभी खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है, क्योंकि जात और धर्म पे अगर कोई राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, आप विकास पे राजनीति करिए, आप कार्य पे राजनीति करिए, उस पे बहुत पीछे रहेंगे। अभी लॉ एंड ऑर्डर के हमारे भाई बात कर रहे थे कि हमारी पुलिस प्रशासन, तो ये भी कह रहे थे कि जेलों की वहां हत्या हुई थी, सीओ थे प्रतापगढ़ में, वो तो ये भी बता रहे थे आपको। देखिए, हुई वो अलग की बात है। अच्छा। मैं कहता हूँ उस पर जिस दिन बहस होगी उस दिन अच्छी बातचीत होगी। लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने बात कही, तो लॉ एंड ऑर्डर अभी आप लोगों ने देखा कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़े। हाँ। पुलिस प्रशासन तो हमारे अयोध्या जी के पुजारी जी लाइव आके उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन उनसे 2 लाख की घूस मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, उसके चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो ना ही करे तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में और जो रोड के गली कूचे जो इस तरीके से नालियां उभाल मार रही नगर निगम के अधिकारी, मैं इससे पहले भी कई डिबेट पे आपके पास था, उन्होंने कहा कि साहब छुट्टी पे चले जाते हैं तो ये हाल हो जाता है। तो क्या छुट्टी पे जाएंगे तो लखनऊ की नालियां भर जाएंगी, सड़कें बहने लगेंगी, गड्ढे हो जाएंगे? एक बारिश होती नहीं है कि गड्ढे रोडे सड़क पता नहीं चलती कहाँ है। विकास नगर में सड़क बैठ जाती, इंदा नगर में बैठ जाती, गोमती नगर में बैठ जाती है। तो चुनाव देखिए उन मुद्दों का है। ये चुनाव ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या करेगी कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अरे साहब, जो सभासद के प्रत्याशी, जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उनके चेहरे पर लड़ने दीजिए आप। ठीक है, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री जी के पास अभी इतने मुद्दे नहीं कि हर चीज में चुनाव, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव जीतना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो भ्रम फैलाते रहेंगे। अच्छा। और नगर निकाय, तो आपको कहना है कि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की बात हो रही है, गौरव जी भाई, आपका कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बात मत करिए, मुख्यमंत्री सभाएं कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कल रिवर फ्रंट पे गए थे, उन्होंने पिछ वार्ता की थी और बताया था कि ये काम हमारे द्वारा कराया गया है जिनको बीजेपी ने मटिया मेट कर दिया है। तो अखिलेश यादव भी अगर यहाँ पर उतर के अपने कामों को बता रहे हैं तो यहाँ पर बताने बुराई क्या है, समस्या क्या है? मुख्यमंत्री, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री जी भी अपने कामों पे चले जाएं लखनऊ के अंदर। अच्छा, कर दे पीसी। अच्छा, हमारे केसी भाई भी चले जाएं, कर दे पीसी। अच्छा, क्या काम किया लखनऊ के अंदर, चले जाएं, कर दे पीसी। हाँ। मैं तो कहता हूँ आप भी जाएं गौरव भाई, मैं भी जाके देखूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। पीसी करने के लिए भी कोई काम होना चाहिए, केवल बीजेपी कार्यालय को 1200 करोड़ का बना लेके वहां पीसी नहीं होती। जनता के बीच में जाइए, लखनऊ के अंदर कितने काम किया आपने। केवल मुझे लगता है जो शौचालय भी होंगे वो भी समाजवादियों के टाइम में लखनऊ बनाए गए होंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं है। आप, मैं तो कहता हूँ चैलेंज कर रहा हूँ, आप करिए कल, आप केसी भाई कल पीसी करिए लखनऊ के अंदर, क्या काम आपने किया? गौरव भाई, आप केसी भाई पूछ लीजिए कल कहाँ पीसी कर लीजिए, कल आप कल कर लीजिए कहाँ काम किया आपने लखनऊ को, बुला लीजिएगा। गौरव जी ये वही समाजवादी पार्टी है जी जिसके समय में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ। अच्छा, और कितने अधिकारी इनके जेल में। अरे भाई, सरकार आपकी है जो जांच करिए, हम तो कहते हैं जांच से हम लोग नहीं डरते। आप पीसी कहाँ करेंगे? अच्छा, आप पीसी कहाँ करेंगे? आप कितने अधिकारी आपके जेल में गए? अरे ठीक है सर, जो अधिकारी भ्रष्ट थे वो जेल में जाएंगे, समाजवादी पार्टी उनका कभी समर्थन नहीं करती। को भी आपने कार्रवाई करिए ना, आप तो बोलते सपा में भी कार्रवाई करिए, बाहर नहीं निकाला। यहाँ तो चर्चा शिवपाल सिंह यादव की भी होती है, करिए कार्रवाई, क्या दिक्कत है? अंदर के झूला कुश्ती क्यों चल रही भाई जी? आजम खान साहब से मिलने भी नहीं गए अखिलेश यादव जी, वो तो शिवपाल जी गए थे मिलने। अच्छा, वो तो चाहते थे अंदर ही रहे। देखिए, फिर कौन सा मुद्दा लेके आया? मुद्दा लेके आया, मैंने कहा गौरव भाई स्टार्टिंग में कहा भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को बहुत अच्छे से बुझा देती है। अच्छा, इन्होंने ये जोड़ दिया काम की बात, जी जोड़ दिया काम की बात। हमने जितने काम किए हैं जी, चाहे नालियों के ऊपर ढक्कन ढकने का काम रहा हो, पत्थर डालने का काम रहा हो, बच्चे बह जाते थे समाजवादी पार्टी सरकार में नालों में। सर, पीसी कहां करेंगे केसी भाई? घर घर कूड़ा उठाया जा रहा है, पीसी घर घर कूड़ा उठाया जा रहा है, नाले ढके हुए, टाइल लग रही है, इंटरलॉकिंग लग रही है जी, गली गली में सीसी रोड पर। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 17 से पहले मुझे लगता है खड़खड़े चला करते थे, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे खड़खड़े चला करते थे। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की नालियों में हम लोग रहा करते थे। अच्छा। ना तो यहाँ पे रोडे थी, ना यहाँ पे नालियां थी, ना यहाँ पे सीवर के ऊपर चैम्बर्स थे, ना यहाँ कहीं टायर्स लगते थे। सर, आप ये बता दीजिए पीसी पे, आपको आदरणीय अखिलेश यादव साहब की पीसी पे बड़ा
मुझे लगता है गुस्से हुए हैं आप, तो आप कर दीजिए एक पीसी लखनऊ के अंदर, करिए कब करेंगे पीसी आप सर? चले ठीक है, पीसी कब करेंगे गौरव भाई, इस बात के जवाब ले लीजिए। चले ठीक है, अगर लखनऊ के अंदर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने छह सालों में किया है, मैं चैलेंज करता हूँ पीसी करके दिखाए मुझे। जी जी, हॉस्पिटल का काम नहीं हुआ। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर सर्जिकल वार्ड में हमने कुत्तों को बैठे हुए देखा है, हॉस्पिटल के अंदर सर्जिकल वार्ड हो गया, मुझे पता है स्वास्थ्य का काम हुआ। ठीक है, छोड़ दीजिए छोड़ी छोड़ी, किसी भाई हो गया, बाकी मेहमान नहीं, बाकी मेहमान जी, जिसके मुखिया ने कहा था चले ठीक है ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की, चले हो गया मत लगवाना। और वही किसी भाई, आपको मौका मिलूगा, सबका जवाब आपको देना है, आपको पूरा समय देना है, सबका जवाब आपको ही देना है। ठीक है हो गया, विनोद सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, ठीक है हो गया, विनोद सिंह बोलेंगे। विनोद भाई जी, भाई आपकी तो तैयारी के बयान चर्चे बड़े खास है, क्योंकि फिलहाल तैयारी कर्नाटक में चल रही है, उत्तर प्रदेश चल नहीं रही है, आपके दोनों बड़े नेता भी कर्नाटक में हैं, क्या निकाय चुनाव को हल्का ले लिया है, या आप पहले से हार मान चुके हैं, या यहां पर तैयारी दूसरे चरण में होगी, क्योंकि अब तक कोई बड़ा नाम यहां पर नहीं आया है, ना रैली करने के लिए, जनसभा करने के लिए। यहां आप देख रहे हैं कि सत्ता पे आसीन बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ मोर्चे संभाले हुए हैं प्रचार का, क्या आपको लगता है यहाँ पर भी आपके यहाँ भी बड़े नाम आने चाहिए उत्साह जगाने के लिए, कांग्रेस के लोगों को एक नई संजीवनी फूंकने के लिए और चुनाव में बेहतर रणनीति के साथ जीत हासिल करने के लिए? पर फिलहाल अब तक नजर नहीं आ रहा, यानी कर्नाटक जरूरी है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव बाद की बात है। नहीं, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए गौरव जी, जी हर चुनाव महत्वपूर्ण होता जी, है जी, और हर नेता कार्यकर्ता का जोश उत्साह आशा बढ़ जाती है अगर उनका नेता उनके बीच में आ जाता है। ये बात सही है जी। और ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, झूठ जुल्म कमीशन वाली सरकार, कर्नाटक की जो सरकार इन्होंने चलाई है, लूट की बंदरबांट वाली सरकार, उनका सच सामने लाने के लिए पूरी ऊर्जा तन्मयता के साथ कांग्रेस पार्टी इनसे आर पार का मुकाबला कर रही है। और कर्नाटक की सम्मानित जनता का आशीर्वाद अगर हमें मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक दम्भ है, अहम है, इनकी हिंसा की, गोली की, झूठ की जो सरकार है, इनकी विचारधारा है फरेब की, उस सबको कर्नाटक की सम्मानित जनता जवाब देगी। और बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी की वहां गवर्नेंस के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, कमीशन खोरी का जो इन्होंने कल्चर लूट का जो माहौल बना के रखा है कर्नाटक में। अच्छा। तो और रही बात, यहां पर भी हम ये चुनाव भी पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। तो है भाई, मैं मुस्तैदी बात नहीं कर रहा हूं, प्रचार की जो स्थिति है, रणनीति है, वो यहां नजर नहीं आ रही है। आप बताइए, यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, तब भी उत्तर प्रदेश के महज तीन जिले छूकर गए थे, गाजियाबाद, बागपत और शामली। मैं तो यही कह सकता हूँ, देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा। उतने मात्र से ही जो 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 चेतना, अच्छा, जो जन अधिकारों के प्रति सचेत लोग हुए हैं, अच्छा, और सरकार के प्रति एक नैतिक, राजनैतिक, संवैधानिक जो दायित्व बना, अच्छा, है इस यात्रा के माध्यम से, लोगों को जगाने के माध्यम से, उनको सचेत करने के माध्यम से, तो सरकार देख रहे किस प्रकार से अनियंत्रित होके, बेलगाम होके, अनाप शनाप काम कर रही है, क्रियाकलाप कर रही है। देखिए तो ये इनका, चूंकि इनका चोर, इनका झूठ, इनका इनकी इनकी विचारधारा, इनका स्वांग सब सामने आ गया है। आगे आगे अभी बहुत कुछ होना है, अभी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, देश के सम्मानित जनता को उनका हक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चूंकि ये सत्ता में है इसलिए इनको सब कुछ करने की छूट है। नहीं, और मैं एक बात और कहूंगा, देखिए इन्होंने बहुत बहुत बातें की, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, कई मंत्रियों के नाम गिनाए, लखनऊ की बात कही, मैं कह रहा हूँ जी देखिए वो तो इनका खैर तरीका है, ये चालाक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चालाक बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं केसी जैन साहब को कह रहा हूँ, मुझे तो डिबेट में करता हूँ आपके सवालों का जिस अंदाज से ये जवाब दे रहे हैं, इनके जैसा समर्पण और बुद्धिमानी और शिष्टता के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रखता है। तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री होना चाहिए, संगठन में वरिष्ठ पदाधिकारी होना चाहिए, मेरी इनके शुभेच्छा है। और रही बात इनके मंत्रिमंडल में, इन्होंने दूसरी सरकार पर आरोपित कर दिया, मैं खत्म कर रहा हूँ, इनके मंत्रिमंडल में अभी इतनी बड़ी इलाहाबाद से संबंधित घटना हुई है, सीधे तौर पर एक इनके कोहिनूर नवरत्नों में से एक मंत्री का नाम आया है, लेकिन ये सरकार पता नहीं किस पावर टसल में, किस सत्ता के संघर्ष में, किस लॉबी वाली राजनीति की शिकार है कि खुल के कार्रवाई भी नहीं कर पा रही। एक तरफ ये कहते हैं, आपके कार्यक्रम में ही कहा कि उनकी पत्नी का टिकट काट दिया, लेकिन
लेकिन उस आरोपी संदिग्ध भूमिका में जो एक नवरत्न इनका मंत्री है हाँ। उसको मंत्री से हटाने की हिम्मत नहीं रख रहे जी। आर्थिक लेन देन से लेके सब में समाहित रहे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा नीतियों को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर जयराम भाई देखिए जी अभी गौरव भाई जी हमारे सभी पैनलिस्ट के जी वक्ताओं ने सबने अच्छी अच्छी बात करी है अच्छी बात होनी चाहिए जी। लेकिन तीनों को ये जवाब देना पड़ेगा जी। सरकार कांग्रेस की भी रही जी। सरकार जो है अरे मंत्री आप भी तो रहे सुनिए देखो विनोद भाई विनोद भाई मैं मानता हूँ आप कांग्रेस के प्रखर वक्ता है जी। और मैं ये चाहता हूं कि आप कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएं ये भी मैं मानता हूं ऐसी बात नहीं है लेकिन सुनिए मेरी बात तीनों ने सरकारें चलाई हैं देश और प्रदेश में जी। कांग्रेस की केंद्र की सरकार में समाजवादी सहयोगी रही है जी। मैं जानना चाहता हूं सभी लोगों से जी। आज कांग्रेस समाजवादी और भाजपा तीनों से पूछना चाहता हूं पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं निकाय चुनाव में जो हम लोगों के बीच में जाके जब बात करते हैं तो विसंगतियां कहां पैदा हो रही हैं वो विसंगतियां पैदा हो रही हैं कि वो कहते हैं विकास 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 ना तो विकास कांग्रेस ने दिया ना सपा ने दिया भाजपा तो चला ही रही है भाजपा को क्या कहने भाजपा के क्या कहने भाजपा को तो कह ही नहीं सकते क्योंकि अच्छा। इनसे विकास मांगो तो ये तो दुनिया भर के विकास गिनाएंगे लेकिन धरती पे नजर नहीं आएगी लड़ाई हो गई अंदर कैंसिल हो गई डील लग रहा है। लेकिन समाजवादी के साथ ही अभी जो बात कर रहे थे बिरादरी और जातवाद मोहम्मद अखलास भाई चार बार आपकी सरकार थी हम दो के सिवा और हमारी बिरादरी के सिवा समाजवादी पार्टी में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ लीजिए 17 जातियों को जो एसटी में डालने की एससी एसटी में डालने की बात आई थी उसका पहला मूल मंत्र डालने का काम स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव ने किया था स्वागत है जी। उन्होंने डाला था जी। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति पहलवान थे वो जानते थे कि जब समाजवादी की सरकार थी इन जातियों का इन्होंने गेम बना करके केंद्र में डाल दिया उछाल दिया अच्छा। इनको पता था कि 17 जातियों को किसी भी इधर से उधर ले जाने में वो केंद्र का काम है लोकसभा राज्यसभा का काम है आरडीआई का काम है राष्ट्रपति का काम है अनुमोदन आपने किया जी। लेकिन आप देखिए 4 दशक बीतने के बाद भी वो 17 जातियों को आज भी मंत्री का घंटा बना हुआ है वो बेचारे जब समाजवादी की सरकार थी तो जैसे पुलिस की भर्ती होनी थी शिक्षक भर्ती होनी थी आंगनबाड़ी में भर्ती होनी तमाम तरह की जो भर्तियां हुआ करती थी दरोगा वगैरह की तो उनको तीनों ने गेम खेल दिया एससी में अब वो बेचारे वो एक साइड हो गए आप चुनाव लड़ रहे हैं देखिए दूसरी बात क्या है गौरव भाई यही समस्या इन लोगों के साथ में है हम इन विसंगतियों को दूर करने की बात करते हैं ये विसंगतियों को मंदिर का घंटा बनाने की बात करते हैं फिर घंटा आ गया विसंगतियां दूर नहीं किए आज हम निकाय चुनाव में आते हैं अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे अच्छा आ गए भारतीय जनता पार्टी कहती है देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पार्टी है अच्छा लेकिन अभी आपने देखा होगा जी जब निकाय चुनाव के चेयरमैनी के लिए मेयर का जो हुआ या पार्षद और सभासद का हुआ मैं जनपद गाजियाबाद की बात करता हूँ साहिबाबाद से विधायक आदरणीय सुनील शर्मा जी और चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लातम जूतम जूतम पैदा खाली ग्लोज इतने असत्य प्रयोग किए गए जो राजनीति की मर्यादा में नहीं होना चाहिए
वो काम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सांस्कृतिक पार्टी है अच्छा। जो अपने आप को बहुत देश बड़ी पार्टी बोलती है अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब निकाय चुनाव में जी। निकाय चुनाव की चर्चा मैंने बार बार इस चैनल पे बोला है जी। हमारे केसी जैन जी बैठे हैं हाँ। गौरव भाई आपके चैनल के माध्यम से दसियों बार मैंने बोला है हाँ। नगर पालिका परिषद खोड़ा कॉलोनी जी 2016 में खोड़ा कॉलोनी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बना नगर पालिका ग्राम सभा हुआ करता था। यहाँ चेयरमैन भाजपा का 34 सभासद में 26 सभासद भाजपा के, विधायक इनका, मेयर इनका, सांसद इनका, केंद्र में सरकार इनकी, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की अच्छा। लेकिन खोड़ा कॉलोनी कुछ दिनों में महाराष्ट्र का लातूर बनने जा रहा है गौरव भाई। उसका कारण बताता हूँ, 500 फुट बोरवेल करने के बावजूद भी मीठा पानी नहीं है अच्छा। जो 25 गज में लोग रह रहे हैं जी, एक बोरवेल कराने में 4 लाख 4.5 लाख रुपए लोगों को आ रहा है अच्छा। हर 10 मीटर या 20 मीटर के बाद एक बोरवेल हो रहा है जी। आप बताइए पूरे खोड़ा कॉलोनी में जब यहाँ से राजनाथ सिंह सांसद थे उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी मैं गंगा वाटर लाऊंगा। चलिए उसके बाद वो चले गए। विगत में 9 साल से जनरल बी के सिंह सांसद समझ गया, उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि गंगा वाटर लाएंगे। देखिए गौरव भाई ये निकाय चुनाव की बात है, मैं निकाय चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ, मैंने किसी के ऊपर चर्चा नहीं किया। ठीक है हो गया। आज की संगतियाँ ये है कि हमारे खोड़ा नगर पालिका में ना मकान नंबर है, ना गली नंबर है, आपकी बात आगे ना मैं समझ गया। है ठीक है, और ना यहाँ पे कोई स्कूल है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई जो है अस्पताल है भाई, हो गया। मजे की बात, कोई सामुदायिक भवन पार्क भी नहीं है। सुनिए ठीक है, मैं चाहता हूँ 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने बिता दिया भाई। धर्म भाई सुनिए, मैं चाहता हूँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी अगली सावधान यात्रा खोड़ा से निकाले, निकालिए। बिल्कुल हम कराने जा रहे हैं सावधान यात्रा खोड़ा से निकाले। जो हम तो चुनाव के माध्यम से देखिए लखनऊ शुरू की थी और पटना में खत्म की थी गौरव भाई, लखनऊ शुरू करिए खोड़ा में खत्म करिए जी। मैं बता रहा हूँ भारत भारत एकता परिषद एक संस्था है जी, जिसके माध्यम से खोड़ा नगर पालिका में आज 39वां दिन है जी। गजेंद्र त्रिपाठी बोलेंगे किसी भाई, हो किसी भाई 2 मिनट गजेंद्र भाई, अपनी अपनी नगर पालिका का चुनाव प्रचार टीवी माध्यम से नहीं कर सकते। बोलिए कि मुद्दा गजेंद्र भाई, मुद्दा इतना गंभीर है जी और सभी सभी पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं। धरातल की जो स्थिति है, जैसे आपने कहा कांग्रेस को, कांग्रेस ने तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया चुनाव, छोड़ दिया वॉकओवर, वॉकओवर दे दिया है किसको, ठीक है। अब कहां पे है हाँ। इनके इनकी स्थिति ये है जी कि वहां पर इनके लोग निर्दल रूप से लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग जीत के आए अच्छा। इनके पार्टी से लड़ते नहीं है, जीत के आते। अरे ये कौन सी बात है, ये एकदम यानी पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। पार्टी के सिंबल से लड़ते तो वो निश्चित तौर से जीत के नहीं आते अच्छा। वो अपने आप से बहुत सारे लोग जीत के आएंगे अच्छा, और वही इनके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेंगे भविष्य में अच्छा ठीक है। ये इनकी एक ये भी राजनीतिक सूझबूझ में आता है अच्छा ठीक है, कि करना क्या है ठीक है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जी भारतीय जनता पार्टी से कि आप लखनऊ के अंदर किसी एक स्थान पे पीसी कर दें जी। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि 5 ऐसा स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे लखनऊ के अंदर जिसका निर्माण इन्होंने अपनी इस सरकार में किया हो अच्छा, योगी जी की सरकार में, दोनों टर्म ठीक है। एक्सटेंशन अलग बात हो सकती है, जैसे कि केजीएमसी लोहिया ये इन्होंने एक्सटेंशन किया है, चाहे वो मेट्रो एक्सटेंशन चल रहा है जी। लेकिन किस कोई ऐसा स्ट्रक्चर ये बिल्कुल, अब यह मैसेज पूरे देश में जाना है, उत्तर प्रदेश में तो जाना ही जाना है कि ऐसा कोई काम आपने अपने राजधानी में नहीं किया है अच्छा। अब स्थिति क्या बन रही है, धरातल किसी देखिए, बोल लीजिए बहन जी की देख लीजिए स्थिति क्या है, बहुत सारे जगहों पर उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है, ये स्थिति आ गई है जी, बिल्कुल आ गई। और लड़ाई जब भी लड़नी है भारतीय जनता पार्टी को, वह सपा के साथ में ही लड़ना पड़ेगा अच्छा। और कोई पार्टी धरातल पर दिख नहीं रही अच्छा ठीक है। स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनके पास संगठन का बल है जी, उनके पास जो उनके सहयोगी संगठन है जी, वो भी जब भी
चुनाव आते हैं वो धरातल पर उतर जाते हैं, एक उनके पास एक अधिक बल दिखने को मिलता है वो सत्ता का बल है जी। और यह चुनाव ऐसा है जिसको कहा जा सकता है कि सत्ता का चुनाव, बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं। और इस चुनाव में धरातल की स्थिति से अवगत यहां पर बैठे हुए सभी लोग हैं, वह बात जो भी कर लें, लेकिन लड़ना सबको भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना है, लेकिन उतना ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है धरातल पर। ठीक है, तो लड़ाई में बहुत ही बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको जी। लेकिन जहां जहां पर बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी धरातल पर लड़ रही है, वहां पर निश्चित तौर से वह भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ देने वाली है। अच्छा, और किसी को नहीं। बाखोबर देते हैं, ठीक है। कैसी भाई, विनोद सिंह की बात का जवाब देना है, एक लाख की बात का जवाब देना है, सबके जवाब आपको देना है। सत्ता पे आसीन है और जवाब दे ही आपकी बनती है, सबका जवाब दे दीजिए लाइन से जी। देखिए देखिए गौरव जी, पहली बात यह है कि आदरणीय गजेंद्र त्रिपाठी जी ने जो सवाल किया जी, और इनके सवाल में हमें लगता है सारी पार्टियों के सवाल आ गए जी, और सवाल उठना लाजमी है जी। लेकिन एक चीज समझ लीजिए गौरव जी जी, कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है जी, आपके जिस कमरे में चार एसी पहले से लगे हैं जी, तो क्या पांचवा एसी भी उसी कमरे में लगेगा? सही बात, उस कमरे में आवश्यकता वहां पर लगा है। तो आप चलिए, केसी भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने माना तो कि एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी काम किया समाजवादी पार्टी ने आदरणीय अखिलेश यादव साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल में। गौरव जी को चुप करें तो नहीं, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ गौरव केशव भाई को, धन्यवाद केसी भाई को दे रहा हूँ। विपक्ष के साथ साथ सुन लीजिए, विपक्ष के साथ साथ अगर एक वरिष्ठ पत्रकार एक समीक्षक अगर सवाल उठाता है तो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा जी, इसलिए उसके सवाल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते जी, बिल्कुल। तो गजेंद्र जी ने अगर सवाल उठाया है तो उसमें सब पार्टियों के सवाल आ गए। तो देखिए, चाहे आप देखिए पहले उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे थे, आज कितने एक्सप्रेसवे हैं जी। आप देखिए पहले कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे जी, आज कितने एयरपोर्ट हैं। अगर लखनऊ में एयरपोर्ट है और दूसरा नया एयरपोर्ट क्या लखनऊ में ही बना दिया जाए जी, और जहां पर जो काम नहीं है, अगर लखनऊ में पीजीआई है, लखनऊ में लोहिया है, लखनऊ में केजीएमसी है, तो लखनऊ में बड़े बड़े संस्थान हॉस्पिटल के हैं। लखनऊ जो एक्सटेंशन की बात कही, लखनऊ को दिया किसने? जो हॉस्पिटल के लखनऊ को दिया किसने सर, ये भी आप बता चली। देखिए यही सवाल हमारे राष्ट्रीय, देखिए गौरव भाई, यही सवाल हमारे राष्ट्रीय, आप जवाब अगला, मैं आपको मौका दूंगा, सबको सुना मैंने बोले, और इस तरीके से तो बात नहीं आ पाएगी ना। बोले बोले, सवालों को मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल भी आपके, जवाब भी आपके, फिर मेरा बोलने का क्या मतलब है? सवाल जवाब दोनों आपके ही रहेंगे क्या? आप जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलिए जी, बोलिए कैसे भाई। तो देखिए, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, फैक्ट्रिया हो, ये सारे की सारे काम जो किए गए जी, वो पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट किया गया जी। और जो बजट पास होता है वो पूरे प्रदेश के लिए पास होता है, अलग अलग कामों के लिए पास होता है। लेकिन हाँ, लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ जी, बड़ा आयोजन हुआ लखनऊ में ही, इसी लखनऊ में ही अगर डिफेंस एक्सपो के साथ साथ इन्वेस्टर्स मीट का कार्यक्रम हुआ, ये बड़ा कार्यक्रम हुआ जी। G20 को लेकर के जो तैयारी रही जी, बड़ी तैयारी रही। तो इस तरीके के जो काम लखनऊ में होने हैं जिससे पूरे प्रदेश का विकास हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो कार्यक्रम पूरे लॉन्च हुए लखनऊ से लॉन्च हुए, इन्वेस्टर्स मीट एक बड़ा प्रोग्राम था, और जितना प्रदेश की सरकार ने सोचा था उससे ज्यादा ओएमयू साइन होकर के इन्वेस्टर्स मीट में आए, और इसी से पूरे प्रदेश का विकास होना है। हो जब रोजगार होगा, बाहर से फैक्ट्रियां आएंगी, कंपनियां आएंगी, यहाँ पे काम करेंगी, तो रोजगार भी होगा, पैसा भी आएगा, डेवलपमेंट भी होगा। मुख्य उद्देश्य डेवलपमेंट पूरे प्रदेश का करना, ना कि केवल लखनऊ तक सीमित रह जाना। हाँ, अभी तक क्या था, इधर समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, 5 जिलों में बिजली आती थी, एटा इटावा केवल वहीं पे बिजली सिमट के रह जाती थी, और ज्यादा से ज्यादा कन्नौज, रामपुर, उसके बाद पार करते थे तो आजमगढ़ आ जाती थी, उसके बाद पार करते तो रामपुर आ जाती थी। आज पूरे प्रदेश से बिजली आ रही है। अच्छा, तो क्या इसको भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा काम? आप देखिए, मैंने अभी कहा
कितने आप सुन लीजिए अच्छा आप चार कंपनियां बता दी जिन्होंने इन्वेस्ट किया जी ट्वेंटी सम्मेलन में आप चार कंपनियां बता दी जिन्होंने इन्वेस्ट किया जी ट्वेंटी सम्मेलन में क्या लाभ उत्तर प्रदेश को हुआ है अरे मैं तो आपको पहले तो आपको धन्यवाद किया मगर आप मुझे लगता है धन्यवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी को जो सिखाया जाता है कि आपको मुद्दे से कैसे भटकाना है अरे आप बोलिए कि समाजवादी का काम है हम तो कहते हैं हम सीना सीने पे जो 56 इंच का सीने वाली बात करे ना करे हम ये जरूर कहते हैं कि जो काम हमने किया अरे तो आप लखनऊ में कुछ बनाइए मेट्रो का उद्घाटन भी हमने किया मेट्रो बनाई भी हमने क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी हमने किया क्रिकेट स्टेडियम बनाया भी हमने डायल 100 का उद्घाटन भी हमने किया डायल 100 बनाया भी हमने रिवर फ्रंट का उद्घाटन भी हमने किया रिवर फ्रंट बनाया भी हमने आप देखिए लगातार आप बात सुनने काम करिए हमारा ना हम तो करेंगे पीसी हम लगातार पीसी करेंगे लखनऊ में पीसी करेंगे जहाँ काम किया वहाँ पीसी करेंगे आप बताइए कहाँ करेंगे केवल केवल मुस्लिम में बटाएंगे अरे आप घोटाला अरे मैं कहता हूँ घोटाला की आप जांच करिए छह साल से आप क्या कर रहे हैं जेल भेजा आप जांच करिए जेल भेजा आप जांच करिए ना छह साल से आप क्या कर रहे हैं अधिकारी भी जेल गए आप छह साल से क्या कर रहे हैं भाई साहब आप जवाब दीजिए हम तो कह रहे हैं हम पीसी करेंगे हम लगातार करेंगे हमने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में काम किया समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया और मैं फिर कहता हूँ प्राइम टीवी के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो समाजवादी पार्टी करेगी क्या विकास किया उत्तर प्रदेश में और गुंडों का सफाया किया है जवाब दीजिए सब नहीं पलता और सबसे ज्यादा गुंडे भारतीय जनता पार्टी में सफाया किया और भाई सफाया किया जवाब सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए किसे भाई आपने सफाया किया कैसे किया जो मुकदमे लगे हुए थे वो वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी में ऐसे गुंडों से सफाया किया आपने जो जो अपराधी आपकी पार्टी में थे उन सब से आपने मुकदमे वापस ले लिए ऐसे आपने किया और अभी बात कर रहे थे आप विकास आपकी ही सांसद सुल्तानपुर में कीचड़ में गिर जाती मेनका गांधी ये विकास आपका घूम रहा है ये विकास घूम रहा है आपका नेताजी ने 500 मुकदमे वापस लिए सुल्तानपुर में आपकी सांसद सुल्तानपुर में आपकी सांसद कीचड़ में गिर जाती है अरे शर्म आनी चाहिए भाई किस बारे में आप वोट शर्म आपको आनी चाहिए आप तो खुश है हम तो पीसी करते हैं शर्म आती नहीं हमें हमें शर्म आती है रिवर फ्रंट की हालत देख के शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमें शर्म आती है हाईवे की हालत देख के शर्म आती है कि आपकी सरकार है हमें शर्म आती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में देख के शर्म आती है कि आपकी सरकार है योगी जी को कहना शर्म आती है ठीक है कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला अरे माफिया मिट्टी मिलाई हम आपके साथ है माफिया मिट्टी मिलाई हम आपके साथ है आप तो पाल रहे हैं साथ में कहाँ है आप तो अरे लिस्ट निकाल दी मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ गौरव भाई ये दूसरा चैलेंज कर रहा हूँ मैं आप तो दूसरा चैलेंज कर रहा हूँ पहला के पीसी कर देते दूसरा के टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट निकाल दे अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट निकाल दिए सर अरे सवाल सुनिए सवाल सुन लीजिए ना बिजली चोरी नहीं होती समाजवादी पार्टी चोरी करती है कोरोना में भी आपने सवाल उठाया केसी भाई मेरा सवाल ले लीजिए केसी भाई जनता पार्टी की केसी भाई केसी भाई मेरा सवाल लीजिए आपने कहा बिजली चोरी नहीं होती तो क्या समाजवादी पार्टी बिजली चोरी करवाती थी बिल्कुल ये तो इल्जाम लगाने में आ गया है बिजली भी चोरी हम कराए टोटी चोरी भी हम कराए सब कुछ हम कराए उत्तर प्रदेश में काम हम ही करते थे ये तो ब्लेम ये आपके ब्लेम इस तरीके से है कि बिजली चोर समाजवादी पार्टी हर चीज समाजवादी पार्टी अरे तो आपने क्या किया छह साल में भाई अच्छा। सब एलिगेंस के लगाने के अलावा किया क्या आपने किया क्या आप पकड़िए आप पकड़िए कहां क्या आप अंधेरे में रहते थे आप कहाँ रहते थे आप कहाँ रहते थे बिल्कुल अंधेरा रहता था पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होता था पानी के लिए बिजली के लिए रोड जाम होते थे केसी भाई एक क्वेश्चन ठीक है केसी भाई आपसे गजेंद्र त्रिपाठी कुछ पूछ रहे हैं जल्दी पूछिए केसी भाई 7 वर्षों में जी यह आप केवल उत्तर दे दें जी कि 10 मेगावाट भी बिजली का उत्पादन किए हैं आप कोई नया स्थान बिल्कुल किए बताइए
बिल्कुल क्यों किए हैं, क्यों नहीं किए बताइए ना, जगह जगह जो सोलर अरे बताइए महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप जगह बताइए मुझे सोलर प्लांट लग रहे हैं आप और साथ ही साथ सोलर एनर्जी ठीक है कंप्लाइड्स ठीक है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, आप पहले इस चीज को ध्यान रखिए, उससे आप बड़े मैकेनिकल यूनिट नहीं चला सकते। नहीं नहीं गलत बात, आपकी बात हो रही है, सुनिए 6,160 मेगावाट बिजली का उत्पादन अखिलेश सरकार के बाद आप बताइए कितना किए हैं, नहीं अंधेरे 10, 20, 50, 100 कुछ तो है डेटा, ये अंधेरे में मैं बता रहा हूँ, बताइए रुकिए 600 मेगावाट बिजली अनपरा डी का जो प्लांट बंद पड़ा था उसको चालू करने का काम किसने किया, कैसी बात आप कर रहे हैं, किसने किया जी, आप वो आप, बंद पड़ा था आपको इस चीज अनपरा डी बंद पड़ा था इसकी जानकारी होना चाहिए, उसको चालू करने का काम आपने कानपुर उसको चालू करने का काम हमारी सरकार ने किया, और साथ ही साथ बिजली की जो स्थिति है जो आपने किया है जो देखिए आप इस चीज को मानिए, सुनिए सर आप इस चीज को मानिए कि आपका तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, आपने मैनेज बहुत अच्छे से किया, बिजली उतनी ही है जितनी थी, आपने मैनेज बहुत अच्छा किया, ये गलत बात है, पर आपको आपको 100 नंबर दिया जा सकता है कि आपने मैनेज बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है, बता रहा हूँ इनकी सरकार बिजली के कर्मचारी धरने पे आगे बैठे थे, बिजली की चोरी आपने बचाई, 15,000 मेगावाट बिजली की डिमांड हुआ करती थी समाजवादी पार्टी सरकार जी, यानी 2017 तक 15,000 मेगावाट जी, और आज की याद कि 23,000 सुनिए मैं बता रहा हूँ 23,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई आज के समय में हो रही है, आप डाटा देख लीजिए 23,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश में, और आज की डिमांड 24,000 मेगावाट की लगभग आज की डिमांड है, लेकिन ये जो 2017 में मात्र 15,000 मेगावाट की सप्लाई भी सरकार नहीं दे पा रही, तो 15,000 मेगावाट से आज 23,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे कोई काम ही नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, विनोद सिंह ये कैसे हो रहा है, विनोद सिंह डिमांड बढ़ी और डिमांड प्रतिवर्ष बढ़ती है, जवाब आ गया प्रतिवर्ष डिमांड बढ़ती है, ठीक है हो गया विनोद सिंह बड़े नाराज दिख रहे थे आप, और केसी भाई ने भी जो बातें कही, दयाराम भाई भी आप पे बड़े उग्र रहे, कहते हैं ये लोग केवल दिखावा किए हैं, तो दयाराम भाई देखिए नाराज हम हमारा व्यक्तिगत नाराजगी तो नहीं है, सवाल है जिस प्रकार से जनता को इन्होंने छोड़ दिया है, अच्छा जनता की कोई सुध नहीं लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, अरे पांच की पांचों प्रदेशों में का भी काम करिए भाई, जो 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 इन्होंने खारिज कर दिया, अरे ठीक है आपको ज्यादा सीट दे दी किसी भाई, सवाल यही है अरे ऐसा पर बोले भाई हिमाचल आपने ज्यादा सीट दे दी अगर तो आप उसको दम में अहम में चूर हो गए, अरे आपको काम करना जनता के लिए ही पड़ेगा, और हमें सीट कम कर दी तो हमें तब भी जनता की ही बात करनी पड़ेगी, ये बुनियादी बात आप क्यों नहीं समझते, राजनीति जो घोटालों में अजीब बात चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा केसी भाई, देखिए सत्ता का अहंकार छोड़ना पड़ेगा आपको, सच नहीं हो जाएगा सत्ता का अहंकार छोड़ना पड़ेगा, अहंकारी नेता की तरह तानाशाह शासक की तरह जुल्मी शासक की तरह बात करना काम करना भाषण देना बंद कर दीजिए, और लोकतंत्र में हार और जीत को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, कैसे भाई जवाब दे रहे, कैसे भाई मेरे से कुछ बोल रहा है, आरोप लगे सवाल है यार भाई, कैसे भाई कैसे सुन लीजिए, ठीक है कैसे भाई आप सुनने का वही सवाल है जी, बोलिए जल्दी बोलिए, आप जनता के सवालों को शोर में दबा देना चाहते हैं, आप जनता के सवालों को जनता की बात को लोगों के अधिकार को सत्ता के अहंकार में दमन कर देना चाहते हैं जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी ये होने वाला नहीं है, सत्ता के अहंकार की गफलत में चूर मत रहिए, सत्ता का नशा बहुत दिन तक स्थायी नहीं रहता है, आप ये बुनियादी बात आपसे लेके प्रधानमंत्री तक और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को क्यों नहीं समझ में आती है, आपको सीट ज्यादा मिल रही है तो क्या आप जनता के ऊपर कुछ भी करेंगे, जनता को आप क्या करिए, केवल वोट बैंक देने की, अरे मैं बोल रहा हूं 5 राज्यों में हार गए भाई, नहीं नहीं गलत बात है, हमें सीट कम मिले ज्यादा मिले हम जनता की बात करेंगे, बीजेपी लगातार जीत रही है बोल रहे हैं, कारण की बात करेंगे, जनता के सम्मान की बात करेंगे, जनता के अधिकार की बात करेंगे, आपको आपत्ति हो जाती है, भ्रष्ट है जी,
जब आप सवाल कांग्रेस भाजपा सपा का नहीं है, सवाल जनता को बेहतर सुविधाएं देने का है। सवाल आप सरकार में है तो आपसे सवाल बनेगा, आप सवाल से बौखला जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं, आप अनाप बौखला करने लगते हैं क्योंकि आप सत्ता के अहंकार में चूर है। ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, हमारे विश्लेषक एक गुरु भी है, राहुल गांधी जी से जब ईडी पूछताछ करती है, ट्रेनर भी है, मोटिवेटर भी, इनके जैसे मोटिवेटर गुरु को आपको बुनियादी बात समझाना पड़ेगा। आपके पार्टी को इनको हायर करना चाहिए, इनकी सेवाएं लेनी चाहिए, लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझने का काम करिए। खिलाफ कोई आदेश नहीं दे सकते। जयराम भाई बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जयराम भाई, न्यायपालिका, केसी भाई, न्यायपालिका, केसी भाई, जयराम भाई ने बोला था, न्यायपालिका केसी भाई उठाते, केसी भाई उठाते, न्यायपालिका केसी भाई, राहुल गांधी हो गया, हो गया, हो गया, पूरी कार्रवाई को बुला, जयराम भार्गव बोले, जयराम भार्गव बोले, जयराम भाई से सच नहीं हो जाएगा। देखिए जी गौरव भाई, मैं देख रहा था, सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता सपा, सुन लीजिए, पहले भाजपा का सवाल लीजिए। केसी भाई ने कहा, केसी भाई बोल रहे थे आप अपने नगर पालिका प्रचार कर रहे हैं, अगर चुप हो जाए तो मेरी बात पूरी होगी। अरे सुन लीजिए दयाराम भाई, या तो देखिए दयाराम भाई सुन लीजिए, अभी देखिए सपा के हमारे प्रवक्ता अखिलेश जी कह रहे थे कि जो है पीसी कर दीजिए, ट्विटर पे आ जाइए, एसी में आ जाइए, एसी में आ, तो आप देखिए ये तो समाजवादी की देन है कि एसी, ट्विटर और ये पीसी, ये समाजवादी करती है धरती पे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जैसे बैंगन घूमता है, अरे सुनिए तो भाई, देखो ये गलत बात, घर पे ले जाते, गलत बात है, अपने विधायक, गलत बात है, आवाज नहीं जा पाएगी, कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। मैं इतनी देर से शांति से सुन रहा था इन लोगों को, कोई फायदा नहीं। बोले 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 गौरव भाई, थाली के बैंगन सुनना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, धन्यवाद मैं करूंगा विनोद सिंह का कांग्रेस से। क्या बात है, कम से कम आज विनोद भाई कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कि इनका, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा। तो कांग्रेस के जितने प्रवक्ता विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते। अच्छा देखिए, सर्वाधिक इस देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी विपक्ष में रही नहीं, विपक्ष की भूमिका ही घूम गई। तो मैं साधुवाद करता हूँ अपने विनोद भाई का कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरे, मैं अपने विनोद भाई से जानना चाहता हूँ, 2011 में जातिवार जनगणना हुआ, इतने सिंपल थे, इतने जनता के आप काबिल थे, तो आपने जनगणना को आपने लागू क्यों नहीं किया, अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी चोर था। जो काम भाजपा कर रही वही काम कांग्रेस भी कर रही थी, जो काम सपा बसपा कर रही थी वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूछे तो जनता को ना तो सपा देना चाहती, ना बसपा देना चाहती, ना कांग्रेस देना चाहती। बीएसपी कैसी पार्टी आपकी नजरों में? जी जी, बीएसपी कैसी पार्टी आपकी नजरों में? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, आपको बताया ना जी, मैंने आपको बताया ना जी कि जनता की बात, देखिए अगर बीएसपी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर था उसकी सरकार में, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैंने कहा ना लॉ एंड ऑर्डर बसपा सरकार में था, ठीक है। तो आप थाली के बैंगन की तरीके से घूमते रहिए, और वो जो जातियों का समीकरण जैसे हम लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही बताते रहिए कि हम इनके 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 लिए कुछ नहीं करें। बैंगन अगर है तो आपको समझ में आ रहा होगा। आ गया सर, आ गया सर, कभी हमारे साथ कभी मलाई मिले तो बीजेपी के साथ, उसके बाद कांग्रेस के साथ, अब बहुजन समाज पार्टी के साथ। 25 करोड़ जनता सपा बसपा कांग्रेस को कुछ देने वाली नहीं है, भाजपा को और आपको दे देगी। स्वयं भारतीय समाज पार्टी है, हक अधिकार की लड़ाई अगर लड़ाई है उत्तर प्रदेश में तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। हम वंचित समाज की बात करते हैं, 75 साल की आजादी में जिन जातियों की जिन वर्गों की बात न सपा न बसपा न कांग्रेस भाजपा करती है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी इसलिए करती है जब को शिक्षा रोजगार दवाई और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी, तब तक स्वयं भारतीय समाज पार्टी उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी उत्तर प्रदेश में। अरे सीखे सीखे वो प्रकाश राय घर से, एक जो है
सहारा धरातल पर निकाय चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है और स्पष्ट रूप से यहाँ बैठे हुए विपक्ष में जितने लोग हैं उस सभी लोगों ने मान लिया है कि विपक्ष में ही बैठना है। अच्छा, ये अभी तक आप लोगों ने देखा ना मैं कहाँ जीत रहा हूँ, कहाँ क्या कमजोरी है, क्या स्थिति है, इस पर कोई भी चर्चा करने की जरूरत नहीं। अरे आपकी तो बातें ही नहीं है, आपकी कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व देखिए, अस्तित्व इन लोग हैं धरातल की, कहाँ की बात करेंगे, पूर्वांचल की, अरे पूर्वांचल की कहाँ कहाँ गिना दूं मैं आपको, क्या स्थिति है, अकेले लड़ लो, एक सीट नहीं जीत पाओगे, आपका अध्यक्ष नहीं जीत पाएंगे, एक सीट अकेले लड़के देखो किसी के साथ में। आपको सपा चाहिए, भाजपा चाहिए, कांग्रेस चाहिए, बसपा चाहिए, हो गया अस्तित्व अकेले। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी भी आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाली है, डस्टबिन में, अब डस्टबिन की राजनीति में आपकी स्थिति होने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो स्थिति है मेरा काम है स्पष्ट रूप से कहना, आपकी जो जो स्थिति है वो डस्टबिन वाली स्थिति है, अब आप डस्टबिन में जाने वाले हैं, आपकी जो स्थिति है वो जान लीजिए। चलिए ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, देरमय हो गया, देरमय हो गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो चर्चा थी वो थी समीकरण पर, चर्चा थी रणनीति पर, चर्चा थी व्यवस्थाओं पर और चर्चा थी जनाधार पर। फिलहाल 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा जनाधार किसको मिलेगा। अभी दूसरे चरण भी बाकी है, पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का प्रचार भी खत्म होगा, उसके पहले लगातार संघर्ष होगा जनता के बीच जाकर अपनी भूमिका दिखाने को लेकर और ये बताने को लेकर कि हम कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। आने वाले समय में बीजेपी, सपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी, सुभाषपा, कांग्रेस किसको जनता जनाधार देगी वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है और 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो साफ है कि समीकरण सबने लगाए हैं, प्रयोग सबने किए हैं और सबने अपनी बातों से बताया है कि ये वर्ग हमारे साथ है। अब वो वर्ग कोई भी हो, किसके साथ होगा वो स्पष्ट हो जाएगा, पर एक बात तो साफ है कि जनता जानती सब है कौन किस वर्ग का है। यात्राएं निकलती, आंदोलन होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर कुछ यात्राएं जनता के मुद्दों के लिए निकल जाए तो शायद कुछ बेहतर संदेश भी जाएगा और शायद वो मुद्दे जो अब तक अमर हुए बने हुए हैं, चाहे वो सीवर का मुद्दा हो, चाहे बजबजाती नालियों का मुद्दा हो, चाहे जल भराव का मुद्दा हो, चाहे संक्रमण बीमारी फैलने का मुद्दा हो, अगर इन मुद्दों पर यात्रा निकल जाएगी, जन आंदोलन हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से अमर हुए मुद्दे फिलहाल नगर निगमों से और नगर निकाय व्यवस्थाओं से खत्म हो जाएंगे और जब ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे तभी हम बेहतर समाज की और एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जो बात कहते हैं उसको पूरा कर पाएंगे। चर्चाएं भी चलेगी, दौर भी चलेंगे, रैलियां भी चलेंगी, पर शायद अब सत्याग्रह की जरूरत है जो जनता के लिए चले, विकास के लिए चले और नगर निगमों के लिए चले, जहाँ पर आप बेहतर संदेश के साथ बेहतर पटकथा रचेंगे और एक विकसित समाज, स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।